हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल आसियाना टिप्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही 10 महत्वपूर्ण ऐसे किचन टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अगर अभी तक आपने आसियाना टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए सब्जियों को लेकर, जब भी हम सब्जियां काटते हैं उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। तो उसे अगर हमें कुछ देर बाद बनाना है तो उसे हम पानी में इस तरह से भिगो कर रखेंगे और वो कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे, उसे हम थोड़ी देर बाद भी बना सकते हैं। तो दूसरा टिप्स है यहाँ पे पैकेट को लेकर, जब भी हम कोई सामान बाज़ार से लाते हैं तो हर चीज़ को, सामान को डिब्बे में रखना मुमकिन नहीं होता है, हम उसे ऐसे ही रख देते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से इसको मोड़ लेते हैं और ऐसे उसे, देखिए यहाँ पे हमने मोड़ लिया है, और इस तरह से ऐसे फैला लेते हैं तो ये बहुत ही सुरक्षित रहता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिए आप, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम शेयर करेंगे तीसरा टिप्स जो कि चना मटर राजमे को लेकर है। यहाँ पे जब भी हम बनाते हैं तो तुरंत बनाने में गैस ज़्यादा खर्च होती है और पकती भी नहीं है, तो इसके लिए हमें 4-6 घंटे पहले ही भिगो देने चाहिए। चौथा टिप्स है हमारा यहाँ पे छन्नी को लेकर। छन्नी में हम दूध चाय आदि छानते हैं तो ये गंदी हो जाती है और जल्दी साफ़ भी नहीं होती, तो उसको साफ करने के लिए हम इस तरह से गैस पर रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से टूथब्रश लेंगे और साबुन से अच्छे से इसे साफ कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से छूटकर नए जैसी हो जाती है। तो अब शेयर करूंगी मैं पांचवा टिप्स जो कि सिलेंडर से जुड़ी है। अगर आपके घर में भी सिलेंडर है तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कब इसको भरा, कब रखा था, कब लगाया और हमें सिलेंडर कब लेनी है, कितने दिन चला, ये सब बातें हमें पता ही नहीं चलती। तो इसके लिए बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हम इसके लिए एक स्टिकर बनाएंगे छोटा सा जो जिस पर कि हम इसका डेट लिखेंगे, जिस दिन हमने लगाया, और लगाकर हम इसे इस तरह से चिपका देंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमें गैस कब लेनी है, हमारा गैस कितने दिन चला। तो इस तरह से हम आसानी से गैस से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये टिप्स है हमारा बाटल को लेकर। बाटल को तो ऐसे हम कई चीज़ों से साफ करते हैं लेकिन यहाँ पर हम बर्फ़ से इन छोटे टुकड़ों को, देखिए हम इस तरह से कूट लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे इसे, और उसे हम नमक और बर्फ़ डालकर बाटल में कुछ देर तक हिलाएंगे। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से, जिससे भी आप साफ करते हैं उससे आप साफ कर सकते हैं। सातवां टिप्स है हमारा छिलकों को लेकर। सब्जी फलों आदि को हम काटते हैं तो ये ज़मीन पर फैल जाते हैं, फर्श पे फैल जाते हैं, तो इसे हमें दोबारा साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जब भी साफ कोई भी चीज़ काटनी हो तो इस तरह से हम प्लास्टिक या कोई कैरी बैग या फिर पेपर नीचे बिछा लें और इस तरह से काटें, इससे हमारा समय भी बच जाएगा और गंदगी भी नहीं फैलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे लहसुन प्याज जो भी काटना है सब उसी समय काट कर रख लेते हैं और इसे जहाँ भी हमें डालना है वहाँ पे हम इसे डालकर फिर से प्लास्टिक को मोड़कर रख लेते हैं। तो आठवां टिप्स है हमारा जार को लेकर। जार पर हम बहुत सा सामान पीसते हैं तो ये घिस जाती है और अच्छे से नहीं पीस पाती है। तो यहाँ पे हम उसमें नमक लेंगे और 2-3 सेकेंड तक मिक्सी को चला देंगे, इससे हमारे जार की शार्प तेज़ हो जाएगी और कोई भी सामान हम आसानी से पीस पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा नवा टिप्स है घी को लेकर। जब भी हम पूड़ी या पराठा बनाते हैं तो थोड़ा घी बच जाता है तो उसे रखने के लिए हमें एक छोटा सा डिब्बा अलग से रखना चाहिए और उसे जल्दी ही यूज कर लेना चाहिए, उसे ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे दसवां टिप्स है भिंडी की सब्ज़ी को लेकर। भिंडी की सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं तो ये लसलसा हो जाता है और सब्ज़ी चिपक जाता है,
अच्छे से नहीं बन पाता, तो इसके लिए हमें इसमें 2 चम्मच 1 चम्मच सब्जी के अनुसार इसमें नींबू का रस मिला लेना चाहिए ताकि ये अच्छे से बन पाए और कढ़ाई में भी ना चिपके। तो इसके लिए देखिए हमने सब नींबू को डालने से ये सब्जी टेस्टी भी होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।